So today we'll learn from the life of Abraham. तो आज हम पिता अब्राहम के बारे में सीखेंगे. So we have talked a lot of Abraham. तो अभी तक हमने काफी बार अब्राहम के बारे में सुना होगा. The scripture is full of examples of Abraham's faith. और जितने भी वचन है उसमें बहुत सारे बार अब्राहम का जो विश्वास है उसके बारे में कहा गया है. He is known as the father of our faith. तो उसे एक विश्वास का पिता ऐसा नाम दिया गया है. So we know and from example that he last time we saw about Noah. तो पिछले सप्ताह हमने नोआ के बारे में कुछ सुना. And you know Noah lived about 300 years after the flood. और नोआ जो था वो बाढ़ खत्म होने के बावजूद उसके बाद 350 साल कुछ दिया. 350 साल. Yeah. Yeah, 350 correct. 350 साल जिया. And if we calculate, we find that when Abraham was born, while before Noah died. तो अगर इस तरह से हम कैलकुलेशन करें तो अब्राहम का जो जन्म था वो नोआ के मरने के पहले हुआ था. Abraham must have lived up to his 20s, and I don't know whether he really saw Noah, but Noah was there till he was in his 20s. तो जब तक अब्राहम जिया करीब नोआ जिया तब तक करीब करीब नोआ का जो आयु था वो करीब करीब 20 वर्ष का होगा. हम ये नहीं जानते कि उसने नोआ को देखा या मिला ये नहीं, बट करीब करीब उसका जो आयु जो था वो 20 वर्ष का था अब्राहम का. But we see how the people in this world deteriorated so much. All the descendants of Noah became so corrupt. Just as God destroyed them before the flood, immediately after that they all began to live in sin. तो हम देखते हैं कि जिस तरह से परमेश्वर ने नोआ के जो संतान थे उन लोगों को बचाया, लेकिन उनके आने वाली जो पीढ़ी थी वो इमीडिएटली बचने के बाद सब के सब पाप में फिर से पड़ गए. Within 350 years, within hardly 100 years, people began to become so corrupt and became not no end of themselves and became so selfish and proud and started worshipping idols. और वो बाढ़ से बचने के कुछ 100 साल भी पूरे नहीं हुए थे कि वो लोग मूर्ति पूजा करने लग गए थे और अपना मन की इच्छा के अनुसार चलने लग गए थे. So they became again so corrupt and so wicked. और वो इतने बुरे हो गए और एकदम corruption में आ गए थे. Abraham was born through the line of Noah's son Shem. और अब्राहम का जो जन्म हुआ था वो नोआ का एक पुत्र था जिनका नाम शेम था, उसके पीढ़ी के द्वारा उसका जन्म हुआ था. And Shem was a good son. और शेम जो था जो नोआ का पुत्र वो काफी अच्छा व्यक्ति था. And he lived for 500 years after the flood. और शेम जो था वो बाढ़ के जाने के बाद 500 साल करीब तक जिया. So we can imagine that Abraham must have known that Shem was living even when Abraham was more than 100 years old. तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि जब शेम 500 साल का भी था तो अब्राहम उस वक्त करीब करीब 100 साल का होगा और उतने साल से वो उसे जानता होगा. Isaac also must have been born when Shem was there. हो सकता है कि आइजैक जो था वो उस वक्त उसका जन्म हो गया था जब शेम जी रहा था. So, but we do not know the lives of so many of Shem's life, how it was, but then so many people had turned to idolatry. हम जानते तो नहीं है कि शेम का जीवन कैसा था, लेकिन बहुत सारे लोग थे जो मूर्ति पूजा की तरफ पहुंच गए थे. And then God told Abraham to come out of his land of the Ur of the Chaldees to go to a new place so that God can build a good testimony. और उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तू अपने ऊर जो अपना गांव है उसे छोड़कर जो देश में तुझसे कहता हूँ उसके और मुड़ ले और सब छोड़कर चला जा. That is how God calls you and me. Each one of us God calls that we may turn away from all our sinful ways and our relatives and our friends and seek to serve Him and be separate for the Lord. और इसी तरह से परमेश्वर आपको और हमें भी बुलाता है कि अपने मित्र अपने परिवार और सबसे अलग होकर एक परमेश्वर के लिए जीवन बिताए. ये इसीलिए होता है ताकि हमारा जो जीवन है वो भक्तिमय जीवन हम सिर्फ परमेश्वर के लिए जिए. Abraham was a God-fearing man, but then in the place where he was living, there was no fear of God at all. और हुआ ऐसा था कि अब्राहम जो था वो ऊर के परमेश्वर के भय में तो जीता था, लेकिन वो जहां पर रहता था वहां पर कोई परमेश्वर का भय नहीं खाता. God always wants people who are live in the fear of God and live a holy life without sin. और परमेश्वर ऐसे लोगों को पसंद करता है जो परमेश्वर के भय में जीते और पाप में जीना पसंद नहीं करते. And that is why many times the Lord tells us to be separate
from our friends and our relatives and our and the people whom we are close with. और यही एक कारण है कि कई बार परमेश्वर हमें अपने मित्र या हमारे परिवार या जो करीब के लोग हैं उनसे अलग रहने को कहता है। Jesus said the way is narrow that leads to life and there are few enter it. और यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरा मार्ग है वो सकरा है और उसमें बहुत कम लोग प्रवेश करते हैं। That is why we can identify with Abraham that we can follow him and he is our father. और इसीलिए हम ये ध्यान में रखना चाहिए कि अब्राहम हमारा पिता है और हम उसके पीछे हो ले। And how he went without in faith, he left his own country. और सोचो वो किस तरह से विश्वास में गया, उसने अपना पूरा अपना देश छोड़ दिया। And he doesn't know where he is going exactly, the final destination. और उसको ये भी नहीं पता था कि उसको कहाँ जाना है, वो जो जहाँ जाना है वो जगह कहाँ पर है। But he knew that God was with him. लेकिन उसे एक ही चीज पता था कि परमेश्वर उसके साथ है। Likewise in my life and your life, we know that God is with us. We don't know how long we live, where we will be, but we know that God is going to take us and we will be with him for all eternity. और उसी तरह से हमारे और आपके जीवन में भी है, हमें नहीं पता कि परमेश्वर हमें कहाँ लेके जा रहा है, बट हमें ये पता है कि परमेश्वर हमारे साथ तक है और वो हमें ले जाएगा। He doesn't tell us all about our future, what is going to happen now, and what are the people, type of people we are going to come, what are the problems that have come. But we have to learn to trust in God every day. वो हमें ये नहीं बता भविष्य में आपके साथ क्या होगा या आपके जीवन में क्या परिस्थिति आएगी या फिर आप कैसे कैसे लोगों से मिलोगे। So when we walk step by step with the Lord, the God becomes closer to us. लेकिन जब हम एक कदम मिलाकर परमेश्वर के साथ चलते हैं तो परमेश्वर हमारे करीब आता है। This is a step of obedience that you and I have to take every day. और इसी को कहते हैं कि परमेश्वर के आज्ञा का पालन करना, जो हमें रोज प्रतिदिन करना है। We have to please God by obeying Him and obeying the Holy Spirit. और परमेश्वर को इसी तरह से हम प्रसन्न कर सकते हैं कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें। And as we obey the Holy Spirit every day, Abraham becomes God's close friend. और जिस तरह से अब्राहम ने रोज प्रतिदिन परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, उससे वो परमेश्वर का एक बहुत ही नजदीक का मित्र बन गया। That is why God said, I have to tell Abraham this the future because he is my friend. और इसी के कारण से अब्राहम को परमेश्वर ने एक आने वाली जाति के जो भविष्य था वो पूरा उसको बता दिया था। And God has very few friends. और परमेश्वर के पास ऐसे बहुत ही कम मित्र हैं। Friends are those people who agree to each other and walk together. और दोस्त या मित्रता उसे कहते हैं कि जो एक दूसरे से सहमति रखते हैं और एक दूसरे के साथ कंधे पे कंधे मिलाकर चलते हैं। It better to have few good friends rather than lot of bad friends. ये तो बहुत अच्छा है कि हमारे पास बहुत कम अच्छे मित्र हैं, इसके बदले कि हमारे पास बहुत सारे नाम के या बुरे दोस्त हैं। James it says that enmity, friendship with the world is enmity towards God. James की किताब में लिखा है कि संसार से मित्रता परमेश्वर से दुश्मनी है। So we better be friends with God and then be enemies with the world. और ये बेहतर होगा कि हम परमेश्वर के साथ मित्रता करें और संसार के साथ दुश्मनी कर ले। Because we know that this world and all the great people and all the good things of this world are going to get destroyed. क्योंकि हमें पता है कि इस संसार में जो कुछ भी है वो एक दिन उसका नाश होगा। And we know the end of Abraham, even though it was so difficult, God blessed him tremendously. और हम जानते हैं कि अब्राहम का जो जीवन था वो इतना आसान नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उसे बहुत तेज से आशीष किया था। He didn't even see the promised land, he lived in tents. और सोचो उसने तो वो जो प्रॉमिस लैंड, जो कनान का देश बोला था, उसने देखा तक नहीं। But ultimately we know after many years he had a full generation and generation of people right up to this very day who are followers of Abraham. लेकिन हम सब जानते हैं कि वो वाचा पूरा हुआ, क्योंकि आज तक के जो लोग हैं वो उसके उसके जो पीढ़ी के लोग हैं वो आज भी वहाँ वो प्रॉमिस लैंड में रह रहे हैं। And we are the children of faith. और हम लोग जो हैं हम विश्वास के पुत्र हैं। The whole world now who have faith in the Jesus Christ are the children of Abraham. और वो कोई जो यीशु पर विश्वास करता है वो उसे अब्राहम के संतान बच्चे कहलाते हैं। So my dear brothers, please do not lose your faith. तो मेरे भाइयों बहनों अपना विश्वास कमजोर ना होने दें। Trust in God and go ahead. और परमेश्वर पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ते जाइए। That is what I tell myself that trust in God. God is there with us. He will never forsake us. और यही मैं हमेशा सबसे कहता हूँ और अपने आप से भी कहता हूँ कि परमेश्वर हमारे साथ है और वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। We sang the song, though troubles may test us and problems may overwhelm us, God is always the same.
तो जैसे अभी हमने एक गीत सुना कि जिसके अंदर लिखा है कि क्लेश परेशानी सब आएंगे, लेकिन परमेश्वर वही है जो पहले था, गॉड इज स्टिल ऑन द थ्रोन, और परमेश्वर आज भी उसी राज सिंहासन या गद्दी पर बैठा हुआ है, दैट इज व्हाई अब्राहम कुड गो अहेड एंड वी आल्सो यू एंड आई कैन गो अहेड। और यही एक उदाहरण है जिस तरह से अब्राहम विश्वास के द्वारा आगे बढ़ता गया, और हमें भी उसी तरह विश्वास के द्वारा आगे हमारे जीवन में बढ़ना है। सो लेट अस कंटिन्यू टू शेयर ब्रदर्स in your own life what was challenging you about Abraham, maybe we can share one or two things and we can encourage one another. तो आइए अभी हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करेंगे, आपने और हमने जो कुछ भी अब्राहम के बारे में सीखा उसे एक दूसरे से शेयर करेंगे। We'll start with Brother Ratnaswamy first and with translation after that. Yeah, and then others can share in Hindi or English. तो हम लोग पहले ब्रदर रत्नस्वामी से सुनेंगे और उसके बाद फिर बाकी लोग को जो भी भाषा ठीक लगता है उसमें बोल सकते हैं। I thank God for today's encouraging words. मैं परमेश्वर को आज के अच्छे वचन के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। We studied about lives of Abraham so many times. और हमने कई बार अब्राहम के जो जीवन शैली के बारे में बहुत बार पढ़ा है। It is a very very good character and qualities. और बहुत ही बढ़िया उसका जो चरित्र और बहुत ही क्वालिटी लाइफ उसने जिया था। Abraham believed God and counted as his righteousness. Sorry, brother. Abraham believed God and counted as his righteousness. Abraham को विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया गया था। We, as brother shared, 12th chapter 1-3, when God called him, immediately he proceeded. तो अभी जैसे हमने भाई के मुंह से, ब्रदर जॉर्ज के मुंह से भी सुना कि जैसे ही परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि इस देश को छोड़ दे, तो वो तुरंत ही उस देश को, अपने सब लोगों को, रिश्तेदारों को छोड़कर चला गया। That is the meaning of faith. और ये उसी का मतलब है विश्वास में कदम उठाना। If we believe God, we will obey God immediately. अगर हम परमेश्वर पर विश्वास करेंगे तो हम परमेश्वर जो कहते हैं उसे करेंगे भी। Then we see in chapter 22 when God told him, told Abraham to sacrifice your son. There also you see immediately early morning he wake up and proceed to sacrifice. तो हम सब जानते हैं जब भी अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि अपने पुत्र को वेदी पर चढ़ा, तो वो एकदम से सुबह एकदम तेजी से उठकर सीधे से चला गया। So in this very deep trust is there, my dear brothers. तो मेरे भाइयों बहनों, अब्राहम जो था वो बहुत ही एकदम गहरे विश्वास के साथ परमेश्वर के साथ चला करता था। This is I can say living faith. और ये जो है इसे हम एक जीवित है विश्वास कह सकते हैं, ऐसा विश्वास जो जिंदा है। In our life we so many times we murmuring about this situation, that situation, but you see faith of Abraham in the olden days. तो हम हमारे पास जब भी कोई परेशानी या क्लेश होती है तो हम उसमें कंप्लेन करते हैं, लेकिन हम अब्राहम को हमसे सीखना चाहिए। And his quality is respecting others. और उसमें एक ऐसी खास बात है कि वो दूसरों को बहुत आदर देता। When his wealth increases, जब उसके धन संपत्ति बढ़ने लगते हैं, Genesis chapter 13, when wealth increases, they want to separate from each other, Lot and Abraham. तो देखिए उत्पत्ति की किताब के 13 वचन में, जब उनका धन संपत्ति बहुत बढ़ जाता है तो उसका जो भतीजा होता है उससे वो एक अलग हिस्सा मांगने लगता है। Genesis 13 verse 9, he gives first preference to Lot. तो वो उसमें अगर हम देखेंगे तो अब्राहम उसे कहता है कि आप देख लो, आपको जो चाहिए आपका पसंद का जमीन पहले ले लो। You select first. वो उसके भतीजे लूट को कहता है, लॉट को कहता है कि तुझे जो लेना है तू पहले ले ले। So such a great quality. और ये बहुत ही बढ़िया एक क्वालिटी वाला जीवन है उसमें। So my dear brothers and sisters, by faith we have to always obey God. तो इसी तरह से विश्वास में रहकर हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना है। In so many ways, God allows some test to our faith to believe in Him more and more.
और कई बार ऐसे अलग अलग परेशानी या क्लेश में परमेश्वर हम पर टेस्ट करता है कि हम उस पर भरोसा करते हैं या विश्वास रखते हैं या नहीं। यू सी हिज लाइफ डेमोंस्ट्रेट दैट गॉड कैन डू एनीथिंग। और उसका जो एक जीवन शैली था उससे हमें ये सीखने मिलता है कि परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। इट इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड, इट इज नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड। परमेश्वर के लिए ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो वो नहीं कर सकता या उसके लिए असंभव है। इन अवर लाइफ ऑल्सो सो मेनी टेस्ट मे कम बट वी हैव टू ट्रस्ट इन गॉड। लेकिन हमारे जीवन में भी हो सकता है ऐसे बहुत सारे क्लेश या परेशानी आए, लेकिन हम अब्राहम की तरह विश्वास के द्वारा जीवन जिए। यू सी सी वेटेड फॉर हिज सन फॉर 25 इयर्स आफ्टर द गॉड्स प्रॉमिस। तो देखिए वो किस तरह से 25 साल अपने एक पुत्र के लिए जो परमेश्वर ने उसकी वाचा की थी उसके लिए रुका हो। इन अवर लाइफ ऑल्सो वी मे नॉट सी द थिंग्स इमीडिएटली। तो हमारे जीवन में भी हम हो सकता है कि परमेश्वर जो कह रहा है उसका इमीडिएट जो फल है वो हमें दिखाई ना दे। बट गॉड इज फेथफुल, ही विल डू हिज प्रॉमिसेस इन आवर लाइव्स। देखिए लेकिन परमेश्वर जो है वो विश्वास योग्य है, वो पर हमारे जीवन में उसके किए हुए कामों को वो जरूर पूरा करेगा। सो माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ट्रस्ट एंड फियर गॉड, गॉड विल ब्लेस अस, आमेन। तो मेरे भाइयों आज आप परमेश्वर पर विश्वास रखिए और परमेश्वर आपको जरूर आशीष देगा, आमेन। कोई भी शुरू कर सकता है, साथ नहीं बड़ी। राजू मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। तो अब्राहम के जीवन से भी बहुत प्रसन्न होता हूँ, खासकर अब्राहम ने परमेश्वर ने जो कहा उस बात को उन्होंने माना। और मुझे भी परमेश्वर प्रसन्न करते हैं, जो भी जीवन में मेरे जीवन में आता है उन सब से गुजरना है और विश्वास में दृढ़ रहना है। अब्राहम जो था विश्वास में मजबूत रहा और परमेश्वर के प्रतिज्ञा के ऊपर संदेह नहीं किया, लेकिन वो चलता गया। उसे मालूम नहीं पड़ रहा था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन वो विश्वास से चलता रहा और परमेश्वर की प्रतिज्ञा में, जिससे हम भी अनंत जीवन के वारिस बने। तो हाँ, तो अब्राहम ने कभी संदेह नहीं किया, मतलब उसने परमेश्वर के जो भी प्रॉमिस था उस पे संदेह नहीं किया। अब्राहम इवन अब्राहम जो था एक और है, परमेश्वर उनको अब्राहम का दोस्त था तो परमेश्वर उसको हर बार बचाते थे, मतलब खासकर दो बार, जब एक बार अबीमेलक और एक बार फेरोन, तो दोनों जगह जब जाता था तो उसकी पत्नी उसको बोलता था कि उनको बोलना कि मैं तुम मेरा बहन हो, तो लेकिन परमेश्वर वो लोग के फेरोन के जगह पे बहुत सारे विपत्ति डालता था, तो इसका मतलब परमेश्वर अब्राहम को बचाते थे। और दूसरी बात भी, अभिमेलक के घर पे भी उसका उसको देख उस समय में ऐसा होता था, कोई स्त्री अगर सुंदर रहे तो उसको अपना पत्नी बना लेते थे, तो वो वहां भी अभिमेलक के यहाँ भी वो परमेश्वर ने विपत्ति डाला, उसको सपने में बोला कि ये सुहागिन है, तो उसके कारण से बहुत सारा विपत्ति आता था। तो इससे मालूम पड़ता है परमेश्वर जो है अब्राहम के साथ थे और परमेश्वर को बचाते थे। तो दूसरा और है कि अब्राहम जो है विश्वास योग्य रहा, और खासकर जो भी परमेश्वर कहते थे वो बोलते थे कि मैं तुम्हारा गढ़ हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। इवन नया नियम में भी पॉल गलेशियों में बताता है कि अब हम अब्राहम के वंशज है, अब्राहम के पिता, अब्राहम मेरा पिता है। तो और भी मैं जब पढ़ रहा था ये जेनेसिस 17 में पढ़ रहा था, तो उसमें देख रहा था परमेश्वर ने बोला था कि अब्राहम से दो 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 निकलेंगे, दो वो पुत्र होएगा, एक इस्माइल और एक आइजक।
तो परमेश्वर ने बोला तुम्हारा जो बन मैं अब इजाक के साथ ही प्रतिज्ञा बांधूंगा, तो इस्माइल के साथ नहीं बांधे, लेकिन वो बोले कि इजाक से ही तुम्हारा वंश चलेगा। तो ऐसे ही अब्राहम की लाइन से ही परमेश्वर यीशु मसीह जगत में भी आए। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, मुझे यही सीखने मिला कि हमें परमेश्वर का जो भी प्रॉमिस है, जो भी प्रतिज्ञा देते हैं, हमें उस पर संदेह नहीं करना चाहिए। और परमेश्वर जो मेरे जीवन में अलाव करते हैं वो भलाई के लिए है, और हम भी विश्वास के नायक बन सकते हैं। तो प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, आमीन। आमीन। तो शेयर करते हैं तो वीडियो भी डाल दीजिए, अपना चेहरा भी देख सकते हैं। 2 मिनट के लिए ले लीजिए टाइम, जरा चेक करके देख कर लीजिए। तो वन बाय वन सबको थोड़ा थोड़ा है दिल में जो प्रभु ने आपको क्या सिखा रहा है, क्या चैलेंज कर रहा है। कोई भी शुरू कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। अब्राहम के जीवन में यदि हम अभी हमारे नए वाचा में यदि हम पैरेलल देखें हमारे जीवन से, तो जैसे अभी भाई ने भी बताया कि हिब्रू 11 में जहाँ पे लिखा है कि इस समय भी हमारा यही होना चाहिए, जैसे 11वें अध्याय के 10वां पंक्ति है, फॉर ही लुक्ड फॉर अ सिटी विच हैड फाउंडेशंस whose builder and maker is God. तो इस समय भी यही हमारा खोज होना चाहिए कि जिस शहर का या फिर जिस प्लानिंग का, जिस तरह के जीवन का, जिस तरह के जीवन का उम्मीद हमें रखना चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की ओर से हो, वो परमेश्वर की मर्जी हो हमारे जीवन में। जिस तरह की गलती हम इन दिनों करते हैं, अब्राहम के जीवन में भी जैसे भाई ने बताया कि 2 बार सारा को उसका बहन बोलना पड़ा, है ना। उसके बाद जिस समय इसमें जेनेसिस 14 में जिस समय उसे सराई ने बोला था ये इसमें हागार को अपनी मतलब ये संतान पैदा करने के लिए, उस समय भी अगर ये तीनों इंसिडेंट के पहले यदि अब्राहम ने परमेश्वर को पूछा होता तो शायद परमेश्वर पहले ही आगाह कर देते कि इस तरह की मर्जी शायद परमेश्वर की ना रही हो। तो ऐसे ही गलती हम भी बहुत बार करते हैं हमारे जीवनों में। और इसके बैकग्राउंड में यदि हम परमेश्वर के कमिटमेंट को देखें, एक जगह जब अब्राहम को परमेश्वर आशीष करते हैं 14 में, जेनेसिस 14 में है शायद, एक जेनेसिस 15 में है कि उसके शुरुआत में जहां पे अब्राहम को परमेश्वर बोलते हैं, इसकी शुरुआत में आफ्टर दीज थिंग्स द वर्ड ऑफ द लॉर्ड केम अनटू अब्राहम इन अ विजन saying, Fear not, Abraham, I am thy shield and thy exceeding great reward. And Abraham said, Lord God, what will thou give me, seeing I go childless, and the steward of my house is Eliezer of Damascus. कि आप मुझे इतना आशीष दोगे भी तो क्या, मेरा तो कोई संतान है नहीं, तो ये किसके पास जाएगा। उसके बाद परमेश्वर उसे अपने तंबू से बाहर निकाल करके जो प्रॉमिस उसे देते हैं और वो विश्वास करता है, लेकिन परमेश्वर का हर एक बात परमेश्वर किस तरह से जाहिर करते हैं कि जैसे एक वाचा उस उनके बीच में और अब्राहम के बीच में। उसके बाद जो उसका 9th पॉइंट है 15:9 जेनेसिस, परमेश्वर बोलते हैं वो ये 8वें वाले पॉइंट में वो परमेश्वर से सवाल करता है कि आप जो ये सब कुछ बोल रहे मैं कैसे जानूं कि ये सब सच होगा। तब परमेश्वर कैसे उसको एक विटनेस देते हैं ना कि एंड ही सेड अनटू हिम टेक मी एन हीफर ऑफ 3 years old एंड अ शी गोट ऑफ 3 years old एंड अ रैम ऑफ 3 years old। मतलब ये सारे चीजें तुम आकर के वेदी पर चढ़ाओ, ये तुम्हारे और मेरे बीच में एक वाचा होगा।
कि ऐसा ही होगा जैसे मैंने तुझे इस समय जो मैंने प्रॉमिस किया है। तो परमेश्वर अपने प्रॉमिस के बारे में इतना सीरियस है, परमेश्वर जो कमिट करते हैं, और उसी तरह से अब्राहम भी जहां जहां परमेश्वर के वाचा को जहां जहां परमेश्वर के प्रॉमिस को पाता था वो वहां पे एक वेदी बनाता और उस वाचा के जैसे आजकल डीड होता है उस तरह का एक डीड हुआ करता था कि परमेश्वर के और मेरे बीच में ये वाचा है ना। तो इसी तरह से यदि परमेश्वर यदि हमारे जीवन के हर एक गवाही को इस तरह की हम एक विटनेस बना करके चले, एक वेदी जैसा यदि हम हमारे हमेशा याद रखते हुए चले परमेश्वर का काम हमारे जीवन में, तो हम भी अब्राहम जैसे फेथ का ईमान का जीवन जी सकते हैं। आमेन। आमेन। मैं अब्राहम के बारे में मेडिटेट कर रहा था तो उसमें मेरे को मुझे काफी सारा चीज सीखने को मिला। जैसे हम सब लोग जानते हैं कि अब्राहम का सबसे बड़ा, जब भी हम अब्राहम का सैक्रिफाइस की बात करते हैं तो हम लोग अब्राहम के जो इसाक जो आइजेक उसका जो बेटा था उसके सैक्रिफाइस की बात करते हैं। बट लेकिन जैसे मैं ये बुक पढ़ना चालू किया, जेनेसिस चैप्टर 12 के बारे में मैं जब पढ़ना चालू किया, तब मैंने देखा कि गॉड ने उसको सबसे पहला सैक्रिफाइस बोला कि यू लीव योर ओन कंट्री, उसको कोई गांव जैसे एक वेस्टर्न सबअर्ब से सेंट्रल में जाने को नहीं कहा, उसको बोला भाई तू तेरा देश छोड़ के जाए यहाँ से। एंड इट वॉज, वो जो दूसरा देश था वो बहुत दूर था, और उतना ही नहीं अगर हम उसे ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है एंड फ्रॉम योर रिलेटिव्स एंड फ्रॉम योर फादर्स हाउस, तो उसके जितने भी मित्र रिश्तेदार परमेश्वर ने उसको सब कुछ छोड़ देने को कहा। तो उसका सबसे पहला तो सैक्रिफाइस वहीं से शुरू हो गया था कि वो उसने सबको छोड़ दिया। तो मैं ये चीज को अपने लाइफ में भी देख रहा था कि जब भी हम CFC में आते हैं, CFC में हम लोगों को बोलता है कि वेन यू आर मैरिड यू आर सपोज टू बी सेपरेटेड, तो जोश में हम लोग कर तो देते हैं बट वेन इट कम्स टू यू नो प्रैक्टिकली उसको फॉलो करना है इट इज वेरी डिफिकल्ट। बट जब भी आप जीते हो तो आपको पता चलता है कि दिस इज अ लाइफ ऑफ ब्लेसिंग। सो आई वुड लाइक टू ऑल्सो एड अ स्मॉल टेस्टिमनी एंड यू नो गिव इट इन ब्रीफ। सो जब भी व्हेन आई स्टार्टेड, जब भी पहले मैं अपने माँ बाप के साथ रहता तो लाइफ वॉज वेरी इजी, यू नो कुछ भी हो गया, मम्मी डैडी है, जॉब नहीं है तो भी चलेगा। बट अभी मुझे पता है कि ऐसा नहीं है। सो इससे होता क्या है, यू आर मोर डिपेंडेंट ऑन गॉड रादर देन एनी ह्यूमन बींग्स और पेरेंट्स और समथिंग। सो नाउ आई नो दैट आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई फैमिली, सो आई एम मोर क्लोज टू गॉड, आई कॉल अपॉन गॉड फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर कुछ भी इशू होता है आई नो दैट आई हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन गॉड। सो आई थिंक अब्राहम से भी गॉड यही चाहता था, बिकॉज अब्राहम भी अपने पिता के बहुत करीब था, तो वो चाहता था कि भाई तू जा और तू मेरे भरोसे पे जीना सीख, ना ही कि तू किसी मनुष्य या किसी के भरोसे पे। एंड दैट इज अ ग्रेट ब्लेसिंग, इट इज अ टफ टाइम। तो वो चीज मैंने अब्राहम के जीवन में भी देखा, जब अब्राहम अपने पिता या अपने देश से दूर होकर निकला तो उसका जीवन इतना आसान नहीं था। तो जैसे ही वो कनान लैंड में पहुंचा और देखा कि ये वो जमीन है जो परमेश्वर मेरे आगे आने वाली पीढ़ी को देगा, तो वो कोई ऐसे खाली जमीन नहीं था, वहां पर ऐसे लिखा है कि वहां के पर कनान के लोग रह रहे थे। और सोचो अगर मैं आज अंबरनाथ में हूँ, परमेश्वर मुझे कहता है कि मैं तुम्हें अंबरनाथ दूंगा, अरे कैसे दूंगा, मतलब एक मनुष्य के सोचने के परे के बाहर है, एक अकेला आदमी कैसे देगा। बट उसका विश्वास जो था वो परमेश्वर के ऊपर था। उतना ही नहीं, वो होने के बाद वो जैसे ही परमेश्वर का कदम चुनता है कि नहीं मैं इस जमीन से दूर जाऊंगा जैसे परमेश्वर ने कहा, मेरा कहने का मतलब है कि लाइफ स्मूथ नहीं हो रहा है, एक के बाद एक कुछ ना कुछ चैलेंजेस आ ही रहा है। जैसे हमारे लाइफ में होता है जब हम ये चुनते हैं कि हम शादी के बाद अलग रहेंगे, तो उसके लाइफ में ये एक चैलेंज हुआ, फिर आगे जाके फेमाइन आया, खाने पीने के लिए कुछ नहीं था, अकाल था, वो इजिप्ट चला गया। फिर उसके बाद हम देखेंगे वो इजिप्ट जाने के बाद वहां पर राजा ने उसकी बीवी को ले लिया, हालांकि बाद में जाके छोड़ दिया। उसके बाद वही ने, फिर आगे जाके हम ये भी पढ़ते कि लूत जो उसका भतीजा था वो बोलता है कि अब मतलब अलग होने को है, एक तो वो अकेला था इधर, लेकिन जो उसके साथ एक भरोसा था लूत वो भी जाने को तैयार है। और उतना ही नहीं, उसके बाद वो जमीन का भी सेपरेशन होता है। तो मतलब मेरा बोलने का मतलब यह है कि जब भी हम परमेश्वर के वचन को मानते हैं इट इज अ ब्लेसिंग। हो सकता है चैलेंजेस है, बट आई थिंक दैट वो चैलेंजेस में भी गॉड इज मेकिंग यू स्ट्रांग। तो अगर मैं मेरे हिसाब, मतलब मैं मेरे अनुभव को देखता हूँ, अगर मैं परमेश्वर के छोटे छोटे चीजों को भी सुन के कर रहा हूँ, इट इज डिफिकल्ट, इट इज नॉट दैट इजी। जैसे अभी ब्रदर जॉर्ज ने बोला, माई वेज आर नैरो एंड देयर आर वेरी फ्यू, बट आई एम एक्सपीरियंसिंग दैट आई एम सो डिपेंडेंट ऑन गॉड नाउ रादर देन ट्रस्टिंग एनी ह्यूमन बींग, एंड दैट इज मेकिंग मी स्ट्रांग। आमेन। आमेन।
परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। अब्राहम के ऊपर जब मनन कर रहा था तो उसमें दो तीन बातें जो मुझे जो सीखने को मिली वो है, एक तो अब्राहम का विश्वास। परमेश्वर ने उससे सिर्फ कहा कि मैं तुझे एक जातियों का पिता बनाऊंगा। उस वक्त उसके पास एक बच्चा भी नहीं था, लेकिन उसने विश्वास ही किया, इसलिए आज वो विश्वास का पिता करके गिना जाता है। एंड वो परमेश्वर के साथ साथ चला। उस टाइम पे बहुत से लोग अपने अपने मार्ग पे थे, लेकिन वो हमेशा परमेश्वर पे ही डिपेंड रहता था। सेकेंड वन, जब परमेश्वर दो स्वर्गदूत अब्राहम से मिलने आए, तब उन्होंने बताया था कि हम लोग सदोम और गमोरा को नाश करेंगे, लेकिन वहां पे भी अब्राहम का एक स्वभाव हमें देखने को मिलता है कि जिस इंसान ने उसको चीट किया, जो लूत था उसका भतीजा था, फिर भी वो उसको बचाने के लिए 3-4 बार वो मध्यस्थ करता है। इससे हमें पता चलता है कि उसका मन कितना साफ था अपने लूत के प्रति। भले लूत ने उसको चीट किया था, लेकिन फिर भी वो लूत को बचाना चाहता था। और शायद इसी के कारण परमेश्वर ने उस सदोम गमोरा की विपत्ति से लूत को बचाया। तो ये दो बातें मुझे सीखने को मिली। ऐसी बहुत सारी बातें जो अब्राहम के द्वारा मुझे मिली सीखने, लेकिन ये दो बातें मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए प्रभु को धन्यवाद। आमीन आमीन। प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आप भी जैसे ब्रदर जी बताया, जरा जोर से बोलो ब्रदर, उठे में बोल। हाँ, प्रभु की स्तुति करो। हेलो ब्रदर, ब्रदर मोरे स्पीकिंग, ब्रदर संजय स्पीकिंग। हेलो, संजय मोरे स्पीकिंग। मुझे इब्राहिम के लाइफ से बहुत सीखने को मिला है, और सबसे ज्यादा मुझे इब्राहिम के लाइफ से ये सीखने को मिला है कि अब्राहम का फेथ जो है गॉड में इतना स्ट्रॉन्ग था कि चाहे कुछ भी हो वो प्रभु पे विश्वास रखता था। जब अब्राहम 125 साल का था, वो टाइम पे गॉड ने उसको उसका सन पूछा था, उसका सबसे बड़ा गिफ्ट जो गॉड ने खुद उसे दिया था। तो वो टाइम पे अब्राहम ने वो टेस्ट पास किया था। उसने प्रभु को बोला था, प्रभु मेरे लिए आपके सिवाय और कोई भी मेरे दिल में नहीं है, इवन जो आइडल जो आइजैक मेरे दिल में है उसे भी मैं सैक्रिफाइस करता हूं। तो उससे प्रभु ने एक स्वेयर किया, प्रभु ने एक वाचा बांधा इब्राहिम के साथ कि भले मैं कोई भी ना हो, मैं अपने आप से स्वेयर करता हूँ कि प्रभु से ज्यादा और कोई नहीं है। तो प्रभु ने बोला, मैं अपने आप से स्वेयर करता हूँ कि तुम जरूर मेरे डिसेंडेंट्स पाओगे। और उस समय उसमें सिर्फ एक बच्चा था, आइजैक। लेकिन हम देखते हैं तब से अब्राहम इतना प्रभु के पास जाता है कि उसको प्रभु का आवाज सुनाई देता है। मतलब कि जब आइजैक 40 साल का हुआ और अब्राहम को लगा कि अभी आइजैक की शादी होनी चाहिए, तो अब्राहम ने क्या किया, अब्राहम ने जाके अपने सर्वेंट को बोला कि तुम मेरे रिलेटिव्स से, मेरे जो कम्युनिटी है वहां से तुम एक मेरे लिए, मेरे बेटे के लिए एक लड़की लेके आओगे। और वो सर्वेंट ने भी पूछा कि अगर तुम वो लड़की लेके नहीं आओगे तो मैं क्या करूं, क्या मैं उसे वापस लेके जाऊं उसके दूसरे जगह पे। तो अब्राहम का फेथ इतना स्ट्रांग था, उसने बोला मुझे प्रभु पर पूरा भरोसा है, वो मुझे अपने कम्युनिटी से जो मेरे फेथ में है उनसे ही वो मुझे एक मेरे बेटे के लिए रिलेटिव देंगे, एक वाइफ देंगे। तो इसका एक मेरे जीवन में भी ऐसे ही हुआ है कि काफी टाइम तक मुझे सेटल होने को लगा, और उसके बाद फिर रिश्ते नहीं आ रहे थे, मेरा सैलरी कम था, ऐसे सब हो रहा था। और हमने सोचा ही नहीं था कि हमें हमारे ही कम्युनिटी में एक बिलीवर मिलेगी, लेकिन उसका एक बार प्रपोजल आ गया था। और बहुत सारे जन मुझे रिजेक्ट कर रहे थे, शायद से क्योंकि मैं ओवर एज था, मेरा ये नहीं था, सैलरी कमी थी, वो सब।
लेकिन प्रभु ने एक ऐसा काम किया जिससे कि ब्रदर जॉर्ज को ही वो एक लगा कि ना ये एक प्रपोजल आया था जो पुजारी गर्ल थी जो तनुजा की थी, तो ब्रदर जॉर्ज को ही लगा कि ये हो सकती है मेरे लिए। और हम जब उसे मिलने गए, उसकी फैमिली से मिलने, तो हमें लगा कि ये पूजा हमारे ही कम्युनिटी वाले हैं और क्रिश्चियन भी है, बिलीवर्स भी है। तो उससे हमने फिर प्रेयर किया 6 महीने या 3 महीने तक, याद नहीं ठीक से, 6 या 3 महीने प्रेयर किया और बाद में हमारी शादी हुई। और एट द एज 35 आई गॉट मैरिड। और तब मुझे अब मालूम पड़ रहा है कि अगर मैं पहले खुद के एफर्ट से मैं ट्राई करता था कि मुझे कुछ मिले, कुछ ग्रैब करने देखता था, फिर मेरी मम्मी डैडी की बात नहीं मानता था, मम्मी और भाई की बात नहीं मानता था, एडिटर की बात नहीं मानता था, तो अभी मैं पछताता रहता था। क्योंकि प्रभु ने मुझे एकदम यकीन है कि प्रभु ने मुझे वो लड़की दी। तो भले हमारे लाइफ में कुछ लेट भी ना हो, यूजुअली लोगों की क्या ग्रेजुएशन 20 ईयर्स में होती है, मेरी ग्रेजुएशन 30 ईयर्स में हुई, पर लेकिन प्रभु ने दी वो और बिना चीटिंग के दी। ये प्रभु की महिमा है। तो हम सबको एक सीख लेना चाहिए कि प्रभु देता है जब हम उनके विश्वास रखेंगे। थ्रू फेथ एंड पेशेंस वी इनहेरिट द प्रॉमिसेस। प्रेज गॉड। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रेज लॉर्ड। जैसे कि अब्राहम के बारे में हमको एक्चुअली हमारे जीवन में बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है, क्योंकि अब्राहम को जैसे प्रभु ने विश्वास का किस्सा बताया, तो पहले बात तो मुझे ऐसा लगता है कि अब्राहम विश्वास के पीछे एक धीरज जो है, धीर जो बोलते हैं, उसको एक बहुत बड़ा उसको सैक्रिफाइस करना पड़ता है। क्योंकि हमारे जिंदगी में देखेंगे तो हमको क्या होता है कि आज हम प्रार्थना करेंगे और अभी का अभी हमको कुछ तो मिल जाना चाहिए, लेकिन अब्राहम के जीवन में देखेंगे तो ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने उसको बताया मैं तुमको एक बच्चा देगा करके, लेकिन उसको कितना बहुत साल उसको उसका रास्ता देखना पड़ा, फिर भी वो पीछे हटा नहीं। प्रभु जो बोला वो करेगा, ये वैसा उसने विश्वास रखा। जो प्रभु का मुंह से जो बात आ गई है प्रभु वो करने वाला है। और एक बात है कि जैसे उसको एक बच्चा भी मिल गया, फिर वो ऐसा विश्वास को अभी परखने के लिए बच्चा हो गया, तो उसने क्या किया कि जास्ती उसके ऊपर प्यार जताना चालू किया। तो प्रभु ने सोचा उसको थोड़ा परखने के लिए उसको बोला कि तुम्हारा अभी मैंने जो बच्चा दिया उसको तुम होम वाली दे दो करके। लेकिन उसी समय भी अब्राहम जो है वो इसाक को होम बलि चढ़ाने के लिए गया। तो उसी टाइम भी क्या देवी इसाक ने बोला कि पिताजी होम बलि चढ़ाने के लिए बकरा किधर है, मेंढी किधर है, तो उसने बोला कि प्रभु देख के ले लेगा। तो उसी टाइम भी उसका विश्वास था कि वो हर समय हर टाइम वो प्रभु के ऊपर डिपेंड था वो अब्राहम। तो हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है कि हर समय अभी समझो हमारे फैमिली में या हमारे काम धंधे में कुछ, अभी मैं भी एक सीख गया हूँ, एक जैसे कि हम एक विषय या एक विषय में जास्ती जोर दे के बात करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब नाश होने वाली चीज है, काहे को हम उसके पीछे पड़ेंगे। जैसे प्रभु ने हमको जीने के लिए थोड़ा सा कुछ काम धंधा दिया उसको विश्वास से करेंगे हम लोग। और समझो किसी से वाद विवाद है तो भी आदमी लोग क्या करता है इंसान कि मेरा सच्चा या मेरा खरा, मेरा झूठ या उसका सच्चा, ऐसे भी चलता है। लेकिन उसके पीछे नहीं रख के हम वो बात उधर छोड़ के फिर हम प्रभु के ओर लगना चाहिए कि ये सब नाशवंत होने वाला है, काम का काई को हम उसके पीछे लगेंगे करके। अभी ब्रदर ने बताया कि याकूब की पत्री में लिखा है कि जगाची मैत्री देवा बरोबर वैर है, जगाची मैत्री देवा बरोबर वैर है। एक्चुअली हमारे जीवन में भी हम जीते हैं ये दुनिया में, लेकिन हम विश्वास रखते हैं प्रभु में और चलते हैं उसके चरणों में। तो हमको मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि ये बात हमको विश्वास से और धीरज जो है वो उसको समय लगता है, तब तक हम हमारे जो प्रभु ने जो हमको हमारे लिए वचन बोला है
वचन हमारे हृदय में दृढ़ रखना चाहिए। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आमीन। हम उसके पाव का नाम की महिमा हो। हम इसने मुझे भी आपके बीच में आके एक बार प्रमुख जो पवित्र शास्त्र के द्वारा मेरे ऊपर प्रकट किया है कि कैसे हमेशा ने जैसे हम न्यू टेस्टामेंट की शुरुआत में देखे मैथ्यू फर्स्ट वर्स में वहाँ हिंदी ट्रांसलेट में लिखा अब्राहम की संतान दाऊद की संतान यीशु की वंशावली। यदि हम अब्राहम के जीवन के बारे में देखते हैं तो अब्राहम जो था विश्वास में कब तक कहलाया गया है। जब भी हम आदम को देखते हैं कि आदम जो पहले मनुष्य बनाया गया था उसने को क्या किया कि उसने अविश्वास के कारण जो परमेश्वर ने बोला था उस बात के ऊपर विश्वास नहीं किया लेकिन शैतान के ऊपर विश्वास किया, शैतान की बात पर विश्वास किया और फल खाया और नाश हो गया। ऐसे ही अब्राहम के बारे में हम देखते हैं कि परमेश्वर विश्वास को कितना रेफरेंस देते हैं, कितना रेफरेंस लेते हैं कि जब अब्राहम ने शुरुआत जैसे अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया तो जब भी न्यू टेस्टामेंट हिंदी वर्जन में स्टार्ट होता है वहाँ लिखा अब्राहम की संतान। तो ऐसे ही हमारे जीवन जब भी हम परमेश्वर के पास सत्संग के द्वारा प्रभु ने हमें किया कि जब भी हम परमेश्वर के पास आते हैं इब्रानी 11 में सत्संग करना है खोने वाले को विश्वास करना चाहिए खोजने वाले को प्रतिफल देगा। इस वचन से मुझे ये बात देखने को मिली कि भले ही आदम को पहली बार परमेश्वर ने मतलब पहला इंसान करके अपने हाथ से थैली में बुलाया उतना रेफरेंस उसको नहीं दिया नहीं कर समझ में कि जितनी शुरुआत अब्राहम के नाम के द्वारा नहीं दिया क्योंकि विश्वास के बिना हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। इसलिए प्रभु मेरे जीवन में जो विश्वास की और भी कमी है प्रभु उसको पूरा करना चाहिए पूर्ण भरोसा प्रभु के ऊपर बने रहने की आप सब मेरे लिए चाहते हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। I want to read put the video on. I want to read from Luke chapter 16 verse 22. We know the story of the Lazarus and the rich man. Now the poor man died and was carried away by the angels to Abraham's bosom. And the rich man also died and buried. So here it is mentioned the paradise before Jesus crucified and everything. He take all the paradise to the heaven. But that time what the God give the name is Abraham bosom. Abraham bosom means nothing but he is sitting in the Abraham. It's not like that. The place called Abraham bosom. So why God called Abraham bosom here? Why God given the name is Abraham bosom? So because he don't have any covetousness. He is not greed. He don't have anything, want to have anything. He take God is sealed for me. He will protect us. He will caretake us. That is the reason when the Sodom, the king, they were captured. He went and he redeemed everything, but that time he did not take anything. He mentioned that in the same, Genesis chapter 14, it is mentioned, I will not take anything from you. Don't tell that because of you, I became a rich man. God only my riches. So that is what he said. That's why God put the name is Abraham bosom. So today also we have to be witness. We have to be witness. That is what Brother Zach also mentioned that it is we have to be witness. It is not, it is easy to bearing the, telling the others witness, but we have to be witness for God. That is why God give the name is God. So most of the people there, they are even still in CFC also most of the people there, they are giving more important for the riches and things so that what they are lacking their name, good name, God, the bosom. So we have what this is my one of the thought that I have to give up everything. Even I have one example that I can give. I'm in Bombay for more than 7 years. I can apply the ration card. If I apply, I get some money because of I have two girl child and because of that reason, I can get some money. But my house owner is not allowed to take the ration card. So that what I lose the money, but the house owner think that I will apply somewhere. Even I went to the ration office, they so told they need money.
they need money. If I give some money, 5,000, if you make a ration card, you have to give money 5,000, you will get the ration card. But I don't want to give anything. I don't want to take a ration card. I don't want to get any money from government also, because I have two girl child. It's okay. Even in the school also, I have to pay the fees if I don't have the ration card. I told clearly to the house owner, I will not, without your permission, I will not apply the ration card. Even though I lose several money, it's okay. But when you think that if you give permission, I will take, then now I moved to another place. Now the house owner has allowed me to take a ration card. I just yesterday only applied. Even in the ration office also, they said they asked money. But I told, if God willing, they will give the ration card. Otherwise, I don't care. Even if I'm not getting the ration card, it's okay for me. That is the witness I want to give. All glory to God. Amen. Amen. Anybody else? One more person? Or kisi ko gawahi dena hai? धन्यवाद करता हूँ प्रभु को इस समय के लिए. और मैं अब्राहम के जीवन से ये चीज अनुभव मिला कि विश्वास ही से मैं इब्रानियों के पुस्तक 11 उसका 17 पद में पढ़ रहा हूँ. विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने की समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया और जिसने प्रतिज्ञा को सच माना वह माना था. हेलो हाँ बोलो जी. तो यहाँ मैं अब्राहम के बारे में सीखा कि उसने विश्वास किया. परमेश्वर ने उनको ऐसा परखे कि उनके इकलौता पुत्र इसहाक था, तो उनको बलिदान चढ़ाने के लिए मतलब उनको ऐसा विश्वास परखे, तो उसने तैयार हो गया. उसने ये आगे कभी नहीं सोचा कि मेरे पास एक ही बेटा है तो मैं उनको बलिदान कैसे चढ़ाऊं. वो विश्वास के साथ में तैयार हो गया. तो हमें ये सीखने के लिए मिलता है, हमेशा परमेश्वर के ऊपर हमको विश्वास पे अड़े रहना चाहिए और उनके सामर्थ्य नाम पे हमेशा चलना चाहिए. तो ये चीज सीखने के लिए मिला कि यहाँ पिता हमारे साथ हमेशा रहते हैं. आमेन. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सो डियर ब्रदर्स, प्रभु का धन्यवाद है कि हमको और भी सीखना है इब्राहिम के जीवन से. इब्राहिम के जीवन से प्रभु ने उन्होंने इतना सारा बलिदान किया, ही डिड सच अ सैक्रिफाइस और ऑफ आइज़ैक ऑन द माउंट ऑफ मोरिया. इसलिए प्रभु ने कहा देखो क्या ही मेरा टेंपल स्थिर करेंगे, और उसी जगह पे ही सोलम ने एक टेंपल बनाया. और तभी हमारा जीवन में हम जब प्रभु को सब देंगे तो प्रभु उनका सब हमको दे देंगे. तो अभी हम प्रभु विश्वासी लोग हम प्रभु अब्राहम को कितना महान देखते हैं, क्योंकि उन्होंने उनका जिंदगी त्याग किया, प्रभु ने जो कहा तुरंत माना. तो हमको भी ये सीखना है, मुझे भी सीखना है, आपको भी सीखना है. अंतिम दिन तक प्रभु आपका जो वचन है, आपका जो आज्ञा, मैं जरूर करूंगा. मेरा इच्छा भी नहीं, आपका इच्छा करना है. प्रभु को पवित्र आत्मा हमको दिया है. अब्राहम ने इतना सारा गलतियां की, लेकिन प्रभु ने उनको माफ कर दिया और आगे लेके गया. हम भी इतने गलती करते हैं और वीकनेस में जल्दी गलत चीज करते हैं, पाप करते हैं, लेकिन प्रभु के पास हम आएंगे, प्रभु हमको माफ करते हैं. प्रभु बहुत ही दयालु है. सो लेट अस ऑलवेज कम टू द लॉर्ड एट ऑल टाइम्स. ही इज सो हार्ट इज वेरी बिग एंड ग्रेट एंड गुड टू अस. हमारा अच्छा के लिए वो ही प्रभु ही है हमारे लिए. So let us come to the Lord and give thanks to Him. प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने, आप कितना दयालु है प्रभु. अब्राहम को लेके गए, वो अपने विश्वास का पिताजी है प्रभु जी. हम भी, हमारा विश्वास कभी कमजोर होता है प्रभु जी,
हम लोग भी थोड़ा हिचकिचाते हैं प्रभु जी, लेकिन आपका प्रेम देके हम आगे बढ़ सकते हैं प्रभु। आप लोग आपने हमको पवित्र आत्मा भी दिया है प्रोत्साहन देने के लिए प्रभु जी, और हमको स्ट्रेंथन करने के लिए प्रभु जी। हालेलुया, आपका नाम का महिमा हो हमारे जीवन में, अपना कलीसिया में, अपना फैमिलीज में, अपना देश में लॉर्ड। आपका नेम महिमा हो लॉर्ड। आप जल्दी आने वाला है प्रभु, हमको तैयार होना है। हालेलुया, आमीन।